मध्य प्रदेश में आज हो सकता है नए सीएम के नाम का ऐलान। शाम करीब 4 बजे होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। बीजेपी ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर समेत 3 लोगों को बनाया है पर्यवेक्षक। खट्टर के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा आज पहुंचेंगे भोपाल। सभी विधायक को सुबह 11 बजे प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बुलाया गया। ऑब्जर्वर के लक्ष्मण के मुताबिक विधायकों की रायशुमारी लेकर आलाकमान को सौंपेंगे रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लागू हो सकता है डिप्टी सीएम का फॉर्मूला। सीएम पद की दौड़ में शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम शामिल। एमपी में डिप्टी सीएम के फॉर्मूले के साथ जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को भी साधने की कवायद कर रही है बीजेपी। आने वाले 15 सालों के लिए बड़े चेहरे को नेतृत्व देने की तैयारी में संगठन। विधायक दल की बैठक से पहले सीएम शिवराज से मिले कैलाश विजयवर्गीय। सीएम हाउस में की मुलाकात। खंडवा की रैली में बोले शिवराज सिंह चौहान, किसी बच्चे बच्चियों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे, पढ़ाई की पूरी व्यवस्था करेंगे। छत्तीसगढ़ के नए सीएम होंगे विष्णु देव साय। गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। अरुण साव और विजय शर्मा होंगे डिप्टी सीएम। पूर्व सीएम रमन सिंह बनाए जा सकते हैं स्पीकर, सूत्रों के हवाले से खबर। स्पीकर पद के सवाल पर बोले रमन सिंह, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगा। उत्तराखंड छत्तीसगढ़ में 12 या 13 दिसंबर को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। ऑब्जर्वर दुष्यंत गौतम ने दी जानकारी। इंडिया टीवी को दिए गए पहले इंटरव्यू में विष्णुदेव साय ने कहा, पीएम के विश्वास पर खरा उतरूंगा। विष्णुदेव साय ने जनता को दिया भरोसा, कहा सभी वादों को पूरा करेंगे, पहला काम 18 लाख लोगों को आवाज देना। विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा बीजेपी आदिवासियों की करती है चिंता, कांग्रेस ने वोट बैंक के रूप में किया इस्तेमाल। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी ओम माथुर ने कहा, अटल जी की सरकार में मंत्री भी रहे विष्णुदेव। छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू। प्रदेश महासचिव विजय शर्मा, ओपी चौधरी समेत 4 विधायक तैयारी का जायजा लेने साइंस कॉलेज मैदान पहुंचे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने विष्णुदेव साय को दी बधाई। न्याय और विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने की जताई उम्मीद। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने जताई उम्मीद, कहा विकास में जो क्षेत्र पीछे छूट गए हैं सीएम उसको प्राथमिकता देंगे। विष्णुदेव साय की मां ने जताई खुशी, कहा मेरे बेटे की जनता की सेवा करने का अवसर उसको मिला। छत्तीसगढ़ बीजेपी की नेता रेणुका सिंह ने कहा, पहली बार एक आदिवासी को सीएम बनाया गया, बहुत खुशी की बात। विष्णुदेव को सीएम बनाए जाने पर झूमे बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता, जमकर हुई आतिशबाजी। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान, जल्द होगी विधायक दल की बैठक, राज्य हित में लिया जाएगा फैसला। जयपुर में बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ का पलटवार, कांग्रेस को सीएम तय करने में लगे थे 16 दिन। वसुंधरा राजे ने फिर से किया शक्ति प्रदर्शन, दिल्ली से जयपुर लौटते हुए उनसे मिलने पहुंचे 13 विधायक।